नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर मनीष कश्यप बोले हैं। क्या बोले हैं मनीष, आज मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, मनीष कश्यप के समर्थन में निकले आदिवासी समाज के लोगों का प्रदर्शन भी दिखाऊंगी और दिखाऊंगी आपको कि मनीष के समर्थक अशोक ठाकुर ने मनीष कश्यप को लेकर क्या बड़ी बात कही और हत्या के प्रयास को लेकर क्या बड़ा खुलासा किया, क्या क्या कहा है उन्होंने, दिखाऊंगी आपको सब कुछ विस्तार से। वीडियो के अंत में आपको एक खुशखबरी भी दूंगी, इसलिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आजकल बिहार में जातीय जनगणना को लेकर घमासान मचा हुआ है, इसी पर चर्चा हो रही है, सब इसी को लेकर बात कर रहे हैं। अब जातीय जनगणना को लेकर मनीष कश्यप का भी एक बयान सामने आया है। हालांकि बयान पुराना है, लेकिन दोस्तों जातीय जनगणना को लेकर जो मनीष कश्यप ने कहा है वो बात बिल्कुल आज की सिचुएशन पर फिट बैठ रही है। 2 अक्टूबर 2023 को जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट बिहार सरकार ने जारी की है, उसी को लेकर पहले ही क्या भविष्यवाणी की थी मनीष ने, देखिए इस वीडियो में। अगले में ना है बिहार, वहाँ पे जातीय जनगणना हो रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है यूपी को करने का प्रयास कर रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है और बिहार रखा है कि 2023 में किसी भी हाल में हमको जातीय जनगणना करके जाति का आग जो है पूरे बिहार में लहका ही देना है। यूपी में आज से 2 दिन पहले दुनिया के 40 देशों से 400 डेलीगेट्स 4000 लोगों के साथ आए थे और 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किए थे। कितना? 32 लाख करोड़ का। और 32 लाख करोड़ से जानते हैं कितना लोगों को रोजगार मिलेगा? 98 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा सरकारी आंकड़ा है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि 32 लाख करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो जाएगा तो कम से कम 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। इस पुराने वीडियो में मनीष कश्यप उत्तर प्रदेश से बिहार की तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2023 में बिहार सरकार को जातीय जनगणना करके बिहार में जाति की आग लहका ही देना है, यानी भड़का ही देना है। दोस्तों, ये वीडियो ट्विटर पर काफी वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को काफी पसंद भी कर रहे हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। वीडियो में मनीष का कहने का जो उद्देश्य समझ में आ रहा है वो ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दूसरे देशों के डेलीगेट्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिससे सरकार यूपी में लोगों को रोजगार देगी, उसी तरह बिहार सरकार कोशिश क्यों नहीं करती अपने राज्य में रोजगार देने की। बिहार सरकार जातीय जनगणना करा कर जात पात में क्यों उलझाना चाह रही है युवाओं को? जातीय जनगणना को लेकर और मनीष कश्यप द्वारा कही गई इस बात को लेकर आपका क्या सोचना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। और चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको दिखाते हैं मनीष कश्यप के समर्थन में निकले आदिवासी समाज के लोगों का प्रदर्शन। मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप कौन यहाँ करो, आदिवासी समाज के लोग मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और मनीष कश्यप को रिहा करने की बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं। इस रैली, इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अशोक ठाकुर ने बिहार सरकार को जो चेतावनी दी है और मनीष कश्यप को लेकर जो बड़ी बात कही है वो भी आपको सुननी चाहिए। देखिए और ध्यान से सुनिए। सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को, आप जितना से जितना जल्द से जल्द मनीष कश्यप के ऊपर जो भी धाराएं लगाए हैं उनका आप अविलंब हटाए और उसको जेल से रिहा करके मुक्त करें। जो गरीबों की आवाज़ उठाता है और हम लोग गरीब जितना भी हैं उनके साथ हैं और हम लोग मनीष कश्यप के लिए हाँ संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे, इसको रिहाई करा के ही दम लेंगे। और सरकार अगर रिहाई नहीं करेगा, 2024 से इधर रिहाई नहीं करेगा तो हम लोग पटना जाके भारी संख्या में जो है विरोध करेंगे। हाँ, बिहार सरकार का, मनीष का साहब जिंदाबाद, बिहार का जनता
जनता को एक ताकत मिल रहा था, बैटरी चार्ज हो रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसको आप गला घोटने का काम किए, ऐसा होने नहीं देगा अशोक ठाकुर। आज कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी का साथ चलने का जो है खामियाजा हमको भी भुगतना पड़ रहा है, इसलिए मैं मनीष कश्यप के साथ हूँ और उसको जल्द से जल्द रिहा करें ताकि गरीब गुरबा को सभी को न्याय मिले। अशोक ठाकुर को जान से मारने का साजिश करने वाला का गिरफ्तार करो, सचिन भगत के ऊपर कार्रवाई करो, जितेंद्र यादव के ऊपर कार्रवाई करो। हाँ, अशोक ठाकुर को धमकी देने वाला साजिश, जान से मारने वाला साजिश कर्ता को गिरफ्तार करो, वरिष्ठ पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई करो। दोस्तों, अशोक ठाकुर ने मनीष कश्यप के समर्थन में निकाली गई इस रैली में कहा कि मनीष कश्यप का समर्थन करने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है और उन्होंने अपनी हत्या के प्रयास को लेकर बड़ा खुलासा किया है और सरकार से कार्रवाई की मांग की है। देखिए, अशोक ठाकुर के हत्या कराने का जो साजिश किया है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो अपराधी को पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए, हत्या करवाना चाहते हैं प्रशासन और मेरा इकट्ठे जो है मेरा हत्या का आप ठेकेदारी ले लिए है, नीतीश कुमार डीजीपी और पूर्णिया एसपी और सदर थाना बड़ा बाबू और डीएसपी साहब सभी को मैं निमंत्रण देता हूँ, 13 दिन बाद मर्डर होने के बाद 13 दिन बाद आकर हमारा शराब का भोज बैठ कर खाइएगा, शांति भोज, और आप लोग सब गवाह रहिएगा, ठीक है। अशोक ठाकुर को जान से मारने का साजिश करने वाला का गिरफ्तार करो, सचिन भगत के ऊपर कार्रवाई करो, जितेंद्र यादव के ऊपर कार्रवाई करो। हाँ, अशोक ठाकुर को धमकी देने वाला साजिश, जान से मारने वाला साजिश कर्ता को गिरफ्तार करो, वरिष्ठ पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई करो, केस नहीं दर्ज किया गया उस पर कार्रवाई करो। अशोक ठाकुर की जान की सौदा हो चुका है, उसकी हत्या करवाने के लिए थाना प्रभारी और राज्य सरकार सभी दोषी होगा, दोषी होगा, दोषी होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि कल यानी 3 अक्टूबर को सारा दिन मनीष कश्यप ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे। वजह ये थी कि अभिसार शर्मा समेत न्यूज क्लिक के पत्रकारों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर इन सब का समर्थन कर रहे लोगों से मनीष कश्यप के समर्थकों ने सवाल किया था, और सिर्फ समर्थकों ने ही नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री के कुछ मशहूर पत्रकारों और बीजेपी नेता ने भी मनीष कश्यप का समर्थन करते हुए ट्वीट किया था। दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्टूबर का महीना शुरू होते ही मनीष कश्यप के लिए लकी साबित हो रहा है। कल सारा दिन मनीष कश्यप ट्रेंड किए और इसी महीने मनीष कश्यप की एनएसए को लेकर सुनवाई भी है, और दोस्तों उम्मीद है कि इस महीने ही मनीष कश्यप के समर्थकों को एनएसए हटने को लेकर कुछ अच्छी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।